Good morning class and welcome back to mathematics. So your half yearly exam has been finished and now we are starting our next term, that is annual term, the first chapter, that is chapter number 5 of this term is factors and multiples with HCF and LCM. ये हमारा आज का chapter है, ठीक है? तो आज हम factors and multiples में क्या पढ़ेंगे? Multiples और common multiples. ये दो topic we will be covering today. तो अब multiples होते क्या हैं? Multiples means किसी भी, जैसे कि कोई भी number है, तो उस number को हम कितने times add on करते जा रहे हैं, उसकी table simply कहते हैं table. तो multiples like multiples of 2, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. इसको हम बोलेंगे multiples. ये 10 तक ही नहीं रहेगा, table हम generally 10 तक ही लेते हैं, लेकिन ये 10 के बाद भी ये continuous होता रहेगा infinite तक. Infinite किसको बोलते हैं? अनंत तक. मतलब आप जितना बना सकते हैं उतना ये आगे टू टू कंटिन्यू रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स. अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल्स के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन. यस, कोई भी नंबर हो उसका मल्टीपल, हर नंबर जो है वो वन का मल्टीपल होता ही होता है. जैसे कि टू, टू वन का मल्टीपल है कि नहीं? है. थ्री भी वन का मल्टीपल है, फोर भी वन का मल्टीपल है, फाइव भी मल्टीपल है वन का. तो कोई भी नंबर हो उसका, कोई भी नंबर हो वो मल्टीपल होता है वन का. कोई भी नंबर वन का मल्टीपल होता ही होता है, ठीक है? तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, हर नंबर वन का मल्टीपल होता है. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है. जैसे कि टू, टू का मल्टीपल होता है, थ्री भी थ्री का मल्टीपल है, फोर भी फोर का मल्टीपल है, फाइव भी फाइव का मल्टीपल है. तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है. ये सेकेंड प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. तो जैसे कि टू है, टू का स्मॉलेस्ट मल्टीपल टू होगा, थ्री का स्मॉलेस्ट मल्टीपल थ्री होगा, फोर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल फोर होगा, फाइव का फाइव होगा. तो कोई भी नंबर हो उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? वो नंबर खुद होगा. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर हो उसका मल्टीपल जो है वो या तो उसके बराबर होगा या फिर उस नंबर से, उस नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा. अब जैसे टू का, टू का मल्टीपल है टू, फोर, सिक्स, एट, टेन. अब ये देखिए टू के बराबर है और इसके बाद टू से सारे नंबर्स बढ़े. इसी तरह से थ्री का देखिए, थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन एंड सो. तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल थ्री है और थ्री के बाद जितने भी मल्टीपल्स हैं वो थ्री से बड़े हैं. तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी नंबर हो उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो है वो नंबर खुद होगा, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे हमेशा बड़ा होगा. उस नंबर से छोटा मल्टीपल कभी नहीं होगा. मतलब उस नंबर से, जैसे कि टू का मल्टीपल कभी भी टू से छोटा नहीं होगा, थ्री का मल्टीपल कभी भी थ्री से छोटा नहीं होगा, थ्री होगा या थ्री से बड़ा होगा.
मैंने पहले भी आपको बताया था कि मल्टीपल क्या होंगे, 2, 4, 6, जैसे कि 2 का मल्टीपल है वो इनफाइनाइट चला जाएगा अनंत की तरफ, उसको हम ऐड ऑन करते जाएंगे 2, 2, 2, 2 और वो जितना भी आप ऐड कर लें वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक रहेगा, ओके। उसको हम दैट इज नॉट काउंटेबल, इसलिए इसका लार्जेस्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। Now the next and the last property of multiples is a multiple of a number is divisible by the number itself. तो कोई भी multiple हो, जैसे 12 multiple है 3 का, तो हमेशा ये जो 12 है कोई भी multiple उस number का उससे fully divisible है, 3, 4 are 12, remainder कुछ नहीं है। तो 3 से 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है और वो डिविजिबल है, 12 जो है डिविजिबल है 3 से। इसी तरह से अगर हम देखें 10 को, तो 2, 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है, डिविजिबल है कि नहीं, 2, 5 are 10, यस डिविजिबल है। तो मल्टीपल्स जो है जिसका जो मल्टीपल है उस नंबर से वो फुली डिविजिबल होगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। नाउ हाउ वी विल फाइंड आउट द मल्टीपल्स, मल्टीपल्स को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे अब हमने कहा कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 का फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 1 2 3 4। तो ये फर्स्ट 4 है, ये क्या है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 2। इसी तरह से five ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15,
टू का मल्टीपल लिखिए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन। अब इसी तरह से हम थ्री का लिखते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन। ओके, अब देखिए, अब हमने ये हमारे टू के मल्टीपल्स हैं और ये थ्री के मल्टीपल्स हैं। अब हम इसमें से देखेंगे कि कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। टू, ये दोनों कॉमन है, नहीं है। अब हमें मिला ट्वेल्व इसमें भी है और ट्वेल्व इसमें भी है, ये हो गए हमारे कॉमन मल्टीपल। अब कोई और नंबर आपको मिल रहा है जो कि कॉमन है? नहीं। तो ये देखिए, तो 12 क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल हुआ 2 और 3 का। इसी तरह से 16 के आगे भी अगर हमें कोई कुछ मिले, 16 तक हमें लेना है, अगर हम ये 20 तक लिखेंगे पूरा, 2 10s तक जाएंगे और 3 का 3 10s 30 तक जाएंगे। तो जो जो हमको कॉमन मिलेगा वो हमारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे, जो कि इसका भी मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल, उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। आपकी बुक का एक एग्जांपल देखते हैं, 3 और 5 का देखते हैं। 3 का मल्टीपल 3 1 3, 3 2 6, 9 12 18 21 24 27 30। अब इसी तरह से हम 5 का मल्टीपल लिख लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। ये हमने 10 मल्टीपल्स, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 और फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। सबसे पहला जो हमको कॉमन मिल रहा है वो है 15, ठीक है? तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू, पहले 15 मिला, अब क्या मिला है और कोई मिल रहा है? 30 मिला। तो 15 एंड 30, ये दो हमको कॉमन मल्टीपल्स मिले 3 और 5 में। ये होता है हमारा कॉमन मल्टीपल। तो आज हमने क्या पढ़ा? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में मल्टीपल्स को पढ़ा। मल्टीपल्स में क्या पढ़ा? मल्टीपल्स क्या होते हैं? फर्स्ट इवन मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स और फाइंडिंग आउट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, और लास्टली हमने पढ़ा कॉमन मल्टीपल। हमने ये सारा कुछ आज कवर किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आपका होमवर्क और असाइनमेंट पेज नंबर और एक्सरसाइजेस आई विल बी सेंडिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।